स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के पांच पांच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का 5, साइंस का 5, इंग्लिश का तो होता नहीं है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को सभी का 5-5 वीडियोस दूंगा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप लोगों का वीडियो छूट जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 1, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। देखो, जो जर्मनी है उसे किस वर्ष, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और आप लोगों के लिए ऐसे ही 4-4 ऑप्शन लिखे हैं। मैं चाहता तो केवल सही आंसर का ऑप्शन लिख देता और ये सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आप कहां बोर्ड एग्जाम दे, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। उसमें से जो आपका सही आंसर हो, जो भी आपका सही हो, ठीक है। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, और आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है बताएं, वो आपका है 1871 ईस्वी। अब आपको बोर्ड एग्जाम में ये पहले प्रश्न लिखो, ठीक है। अब लिखो क्या आपका कौन सा सही है। देखो मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना वैसा बता रहा हूं। पहला तो लिखो यहां प्रश्न लिखो, फिर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखो का 1800, यहां फिर ऐसे करो 1871 ईस्वी, फिर इस पर आपको सही का निशान लगा दो। बस ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहले लिखो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, फिर आप यहां ऑप्शन लिखो का जो सही हो 1871 ईस्वी, फिर सही ऑप्शन लगा दो, फिर ये आपका हो जाएगा। अब ये नहीं कि अपने बोर्ड एग्जाम में चारों ऑप्शन उतारो, चारों ऑप्शन उतारने के बाद जो सही हो उसको टिक लगाओ। आपका 4 ऑप्शन उतारने में 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट लग जाएंगे, और 1 मिनट आप लगा दोगे इधर तो उधर आपका छूट जाएगा। तो आपका ये जो है 1871 ईस्वी सही है, जैसा कहा है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो ये आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। मतलब जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। नंबर 1 ऑटो वॉन बिस्मार्क, नंबर 2 हिटलर, नंबर 3 आपका है काइजर विलियम प्रथम, नंबर 4 मैथसिनी। तो इसमें से किन्हें जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ढूंढो। आई होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स में अपने। और हाँ, अगला क्वेश्चन अगला है असहयोग, जो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, सेकंड है 1920 ईस्वी में, एंड ये गा है खा आपका है 1913 ईस्वी में, घा आपका है 1921 ईस्वी में। तो इसमें से जो आपका सही आंसर स्टूडेंट वो है 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक में नोट कर लो, कॉपी में। बर्लिन का समझौता कब हुआ, बर्लिन का जो समझौता कब हुआ था। देखो ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, खा है 1890 ईस्वी में, गा है 1885 ईस्वी में, घा है 1895 ईस्वी में। कब हुआ था बर्लिन का समझौता, आप लोग एक बार गेस कीजिए। जो जो बच्चे, देखो मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को गेस कीजिए। इस क्वेश्चन में जो बच्चे नहीं जानते वो भी गेस करो कौन सा सही आंसर हो सकता है, और देखें किस किस का सही जाता है। कमेंट करके बताना कि सर हमने इस जो ऑप्शन को गेस किया था और सही गया हो तो बहुत ही अच्छा है, समझ लो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े, अगर गलत गया तो भी अच्छा है। तो आप लोग गेस करो, फिर कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है 1885 ईस्वी, लेकिन इससे पहले आप लोग कमेंट कर देना जो जो बच्चे जो जो ऑप्शन गेस किए थे, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं और बच्चे हम जान सकें कि बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश में सबसे धनी देश माने जाते थे। 18वीं शताब्दी में, शताब्दी कौन सी, 18वीं, और 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे। देखो ऑप्शन है आपके पास जापान और भारत, चीन और इटली, फ्रांस और अमेरिका। तो अगर सही आंसर है स्टूडेंट तो वो है चीन और भारत, ठीक है, चीन और भारत। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 6, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए, मतलब जो 1730 ईस्वी में जो दशक था उसमें सबसे पहले कारखाने खोले गए इंग्लैंड में, स्पेन में, अमेरिका में, जापान में। चलो बताओ, आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंग्लैंड में, ठीक है। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो प्रश्न नंबर 7, मुंबई में पहली कपड़ा मेल की स्थापना हुई, कब हुई थी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बताता हूँ, 1824 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, फिर गा है 1844 ईस्वी में, घा है 1874 ईस्वी में। कब हुआ था मैं आप लोगों को बता दूं, वो है खा 1854 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या नाम है, जो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है, जापान की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही प्राचीन है, उस पुस्तक का क्या नाम है, ये आप लोगों को बताना है। तो गेस करो आप लोग, मैं यहां 4 ऑप्शन दिया हूं, नंबर 1 डायमंड सूत्र, नंबर 2 चैपबुक, ठीक है, नंबर 3 बाइबिल, नंबर 4 पिकविक। चलो आई होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है वो है स्टूडेंट क्या, डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई, मतलब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो छपाई की तकनीक है, देखो हर एक तकनीक किसी ना, देखो इस देश में एक तकनीक है तो इस देश का नकल किया गया, दूसरे देश में उस तकनीक को बनाया गया, उसी तरह ऐसे फिर अगले देश में, तो इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई, ठीक है, ये आपको बताना है, भारत से, जापान से, या इटली से, या मलेशिया से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग गेस करो, और एक क्वेश्चन मैंने बताया था उसे भी कमेंट करो, इसे भी कमेंट करो, ठीक है। आपके पास 3 सेकंड है, 1 2 3, आप लोग जो गेस किए हो वो कमेंट करो, मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूं। जो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक है किस देश से आई, वो है इटली से, लेकिन इससे पहले जो गेस किया था उसे कमेंट कर देना, ठीक है, कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं सही ही गेस करते हैं हमेशा, ठीक है। अगला है, देखो गुलामगिरी नामक पुस्तक किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है, जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है, नंबर 1 जाति प्रथा, नंबर 2 दहेज प्रथा, नंबर गा है आपका बाल विवाह प्रथा, नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं, तो किस प्रथा पर आधारित है, तो अगर मैं बताऊं तो वो है जाति प्रथा, ये जो स्टूडेंट जाति प्रथा पर आधारित था, ठीक है। कौन सी पुस्तक, गुलामगिरी नामक पुस्तक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही सभी पार्ट को देखने हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को अभी ही प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही लगातार वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। और मैंने कई सारे चैप्टर को फिनिश भी कर दिया है पढ़ाकर, तो उन्हें आप लोग देखो, ठीक है। देखो फिजिक्स में जो आपका साइंस है उसमें 1 से 11 लेसन तक समाप्त हो गया है चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, और इसमें 5 लेसन समाप्त हो गया है, तो इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखो समझो और शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो इस फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।